यहाँ पर वो कंप्यूटर से अपने एक्सपेरिमेंट की जानकारी निकालना चाहता था ताकि ये इन्फॉर्मेशन अपने इलाज के लिए वो मिस्टर ब्लू को दे सके, लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से डिलीट कर दी गई थी। निराश होकर वहाँ से निकल रहा था तब वो बैटी रोज से टकरा जाता है। बैटी रोज के पास उन एक्सपेरिमेंट की एक फाइल होती है जो ब्रूस को चाहिए थी। अगले दिन जब वो वहाँ से निकलने वाला होता है तो उसे जनरल लोज और एमन ब्लोज की घेर लेते हैं। वो लोग जब ब्रूस को बेहोश करने लगते हैं और वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहाँ पर जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन हल्क सबको पछाड़ देता है। ब्लोन्स्की जो अब एक सुपर सोल्जर था, ब्लोन्स्की जब हल्क को गुस्सा दिलाता है तो हल्क उसे एक किक मार कर उसकी हड्डी पसली एक कर देता है और हल्क बैटी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और वो बाद में जब नॉर्मल होता है वो और बैटी मिस्टर ब्लू कॉन्टेक्ट करते हैं जो की उनसे न्यूयॉर्क में मिलने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर ब्रूस और बैटी न्यूयॉर्क पहुंचते हैं। मिस्टर ब्लू असल में एक बायोलॉजिस्ट था जिसका असली नाम था सैमुअल स्टैन, जो ब्रूस का इलाज करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ ब्लोन्स्की जिसकी सारी हड्डियां टूट चुकी थी, सुपर सोल्जर सीरम की वजह से एक दिन में ही ठीक हो जाता है। फिर जनरल रोज उसकी बॉडी में थोड़ा सा और सुपर सोल्जर सीरम डालते हैं ताकि वो फिर हल्क का सामना कर सके, लेकिन वो सीरम इस बार थोड़े साइड इफेक्ट दिखाने शुरू करता है। इससे ब्लोन्स्की की बॉडी डिफॉर्म होने लगती है और इसका दिमाग बहकने लगता है। ये उसके बारे में कुछ नहीं बताता। जनरल रोज इंटरनेट के माध्यम से बैटी और ब्रूस पता लगा लेते हैं और वो उन्हें पकड़ने के लिए न्यूयॉर्क जाते हैं। उधर मिस्टर ब्लू अपना बनाया हुआ एंटीडोट हल्क की बॉडी में इंजेक्ट करता है जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। पर मिस्टर ब्लू ब्रूस से बोलता है कि वो परमानेंटली ठीक नहीं हुआ है और उसे बार बार एंटीडोट लेने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा मिस्टर ब्लू बैटी और ब्रूस को बताता है ब्रूस के ब्लड सैंपल को काफी ज्यादा क्वांटिटी में बना के रखा हुआ है ताकि वो अलग अलग बीमारियों का इलाज कर सके, लेकिन ब्रूस इस बात से बहुत डर जाता है क्योंकि उसका खून गवर्नमेंट को मिल गया तो वो लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। वो अपने ब्लड सैंपल को नष्ट कर देना चाहता था। इतने में ही जनरल रोज की टीम वहाँ पर पहुंच जाती है और वो ब्रूस और बैटी को पकड़ लेते हैं। ब्लोन्स्की जो अब ताकत का भूखा हो गया था वो सैमुअल स्टैन को बोलता है कि वो उसे हल्क के जैसा बना दे, और मजबूरी में डॉक्टर स्टैन ब्लोन्स्की की बॉडी में ब्रूस का ब्लड इंजेक्ट करता है और फिर उसकी बॉडी पे केमर गिरता है जिससे ब्लोन्स्की एक भयानक राक्षस एपिनिमो बन जाता है और वो पूरी शहर में तबाही मचाने लग जाता है। जब उसे रोकने का कोई तरीका नहीं मिलता तो ब्रूस फिर दोबारा हल्क बनने की सोचता है। फिर अमोबिनेशन और हल्क के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है पर हल्क उसके सामने कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन अमोबिनेशन बैटी को मारने की कोशिश करता है। तब हल्क अपने प्यार को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ता है, उसको हरा देता है और उसके बाद अबोमिनेशन को गिरफ्तार किया जाता है और हल्क वहां से भाग जाता है। कुछ टाइम बाद ब्रूस दूसरे देश में रहना शुरू करता है और अब वो हल्क को खत्म करने के बजाय उसे अपने काबू में करने की कोशिश करता है।